पीलीभीत के नवागत पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने रविवार को मीडिया से खास मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अपनी कार्यशैली से अवगत कराया, साथ ही स्थानीय मुद्दे समझने की कोशिश की। सोमवार से शुरू हो रहे सावन के महीने में उन्होंने बताया कि वे बेसिक पुलिसिंग के पक्षधार है, जिसमें अपराधी पर निगरानी रखना, जेल से छूटने के बाद तत्काल उसकी गतिविधियों पर नजर रखना, लगातार अपराध करने वाले पर कड़ी कार्रवाई जैसे गुंडा एक्ट आदि तत्काल अमल में लाना, ताकि जेल तक संदेश जाए कि पुलिस छोड़ेगी नहीं। उन्होंने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड जैसी कार्रवाई के लिए वे महिला पुलिस के साथ शक्ति दल तैयार करेंगे। एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए कार्रवाई में जो खामियां सामने आई, जैसे कि साथ घूम रहे सही युवक युवतियों को भी कई जगह अपमानित होना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां न आए इसका ध्यान रखा जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कांवर रथियों के जट्ठों के शहर में प्रवेश करते ही पुलिस स्कॉट करेगी और सावन के महीने में कांवर यात्रा में विशेष सतर्कता बरतने की बात कही। कांवड़ियों के लेके आओ मंदिरों में इन सब चीजों को करके सर्विस। पुलिस हाई अलर्ट पर है, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका पुख्ता इंतजाम किया गया है। मंदिरों में महिला पुलिस का कॉम्पोनेंट भी रहेगा और सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को उतारा गया है। 4 जून 11 सेक्टर इसमें बना लिए गए हैं। साथ ही जो कांवड़ियों के जो जत्थे आते हैं उनको पुलिस सकुशल शहर में स्पॉट भी करेगी। उनके साथ साथ एक मोटरसाइकिल मोबाइल चला करेगी, जो शहर में अगर इस छोर से दूसरे छोर जाना है तो साथ में रहेगी, सहायता करेगी। इसके अलावा 100 नंबर पर कॉल करके कोई भी अपनी बात बता सकता है। और हम 1-2 QRT भी इसमें बना रहे हैं, डे और नाइट ही QRT, जिसमें PAC मौजूद रहेगी दिन और रात दोनों टाइम। मंदिरों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, सादे कपड़े में भी लोगों को रखा जाएगा। वीडियो कैमरा और आदि फोटोग्राफी की व्यवस्था भी रहेगी, ताकि कोई चोरी और इस तरह की घटनाएं भी वहां पर ना हो सके। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग और इन सब के समीक्षा पहले ही कर ली जाएगी। डीजे के लिए क्या व्यवस्था है? डीजे के लिए यही है कि नोटिसेस दिए गए हैं, कोई अराजक पूर्ण और इस तरह की कोई बात ना हो, इसके लिए पहले से सबको हिदायत दी गई है, मीटिंग में पहले से कर ली। We'll be right back.